प्रणधार सुंदर साज जी। इतक की पहली चौपाई शुरू होती है भविष्य शब्द से। भविष्य पुराण में राजा का ही जुगचार आप हर साल सुनते हो। भविष्य तो पुराण है, लेकिन भविष्य शब्द से ये आशा लगता है कि तीन काल है, भूत भविष्य और वर्तमान। नीतिकार इस पर तरह तरह की समीक्षा करते हैं। किसी का कहना है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भूत और भविष्य की कोई चिंता न कीजिए। भविष्य में जो होगा राज्य के हुक्म से होगा, और भूत जो बीत गया है उसके बारे में क्या सोचना, जो बीत गया है उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, अपने समय की बर्बादी है, ऐसा ही लोग कहा करते हैं। किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संसार में जो कुछ है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है। यदि कूड़े करकट से बिजली बनाई जा सकती है, आप देखिए कि पशुओं के मल मूत्र से भी कोई औषधियां बन जाती है, खाद के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, तो भूत और भविष्य की कितनी उपयोगिता है शायद हम इस पर विचार नहीं करते। जो भविष्य होगा वो हमारे वर्तमान का क्रिया का फल ही भविष्य में दृष्टिगोचर होता है। आज वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो भविष्य में फलीभूत होगा। किंतु यदि हमने भूत से अतीत से शिक्षा नहीं ली तो वर्तमान में हम कैसे कार्य करेंगे। बीतक में हमें सामान्य बुद्धि से देखने पर दो खलनायक नजर आते हैं। पहली बात तो मैं कहूंगा, आज अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको सकारात्मक दृष्टि से देखें। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मसृष्टियों में अवगुण ढूंढने की अपेक्षा उनके सकारात्मक पक्ष को हमें देखना चाहिए। आप देखिए दत्तात्रेय योगेश्वर हुए, उन्होंने वेश्या से भी शिक्षा ली। देखा कि एक वेश्या कितनी व्याकुल होकर अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी ही व्याकुलता यदि परमात्मा के लिए हो तो परमात्मा से मिलन बहुत सरल हो जाएगा। सर्प से भी शिक्षा ली। जो भी उनको मिला, अजगर से भी शिक्षा ली, पक्षी से भी शिक्षा ली। अजगर की मस्ती को देखा कि वो हाय तोबा नहीं मचाता है। हम लोग तो चाहे भले ही ब्रह्म सृष्टि है, हाय तोबा तो मस्ती रहती है कि इतना कमा लें, ये कर लें, इतनी कोठियां बना लें, ये कार खरीद लें, लेकिन अजगर को देखा कि शांत होकर के पड़ा रहता है। हर व्यक्ति से उन्होंने शिक्षा ली। वैसे ही हमें हर महापुरुष से, हर व्यक्तित्व से शिक्षा लेने की बात है। एक चौपाई आती है अवगुण का है गुण ग्रह। हमें दूसरों से गुणों को ग्रहण करना है, उसका क्या अवगुण है उस पर चिंतन नहीं करना है। समीक्षा का तात्पर्य यह होता है सम्यक इच्छण, यथार्थ दृष्टि से देखना। जब हम किसी व्यक्ति के गुण अवगुणों की तरफ देखते हैं तो यहां से हमारा भटकाव शुरू होता है। कोई भी व्यक्ति सर्वांश में पूर्ण नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा व्यक्तित्व होगा उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य रहेगी, और जो सबसे बुरा व्यक्ति होगा संसार का उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होगी। यदि उसमें 99 बुराइयां हैं तो एक अच्छाई अवश्य होगी, ये प्रकृति का नियम है। रावण और कंस में भी कोई ना कोई अच्छाई थी, हम ये क्यों भूल जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टि में यदि हम केवल यही समीक्षा करते रहेंगे कि इस सुंदर साथ में ये कमी है, इस सुंदर साथ में ये कमी है, तो इससे क्या होगा, नकारात्मकता का संस्कार जो हमारे अंदर बैठ जाएगा वो केवल अवगुण देखने की प्रवृत्ति हमारे लिए खत्म हो जाएगी। इसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें सामाजिक समीक्षा करने की आवश्यकता है कि समाज में क्या चूके हो रही है, किस भूल के कारण हमारे समाज का व्यक्तित्व निर्माण हो नहीं पा रहा है। यदि हम सामाजिक चिंतन करते हैं कि हमारे समाज की क्या कमियां हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम व्यक्ति की तरफ ध्यान देते हैं, व्यक्ति विशेष की तरफ, किसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, तो परिणाम क्या होगा, हम विनाश की तरफ चलते जाते हैं। अभी मैंने दो व्यक्तित्व बताए, एक है बिहारी जी और एक है औरंगजेब। समान रूप से मैं समझता हूँ इन दोनों व्यक्तित्वों को कोई भी अच्छा नहीं कहता होगा, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि दोनों में परम धाम की आत्मा है। साकुमार के आत्मा है औरंगजेब के अंदर, और बिहारी जी के अंदर रतन बे की आत्मा है।
कई सुंदर साथ का कथन है कि रतन भाई की आत्मा महाराज परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के अंदर थी। अब ये बात तो वास्तविकता में क्या है ये मूल स्वरूप ही जानते हैं, किंतु कोई भी आत्मा हो, चाहे साकुमार की आत्मा हो, चाहे बिहारी जी की आत्मा हो, रतन भाई की आत्मा, आखिर ये मार्ग से क्यों भटकी? कभी हमने इस पर ध्यान दिया है? और उन्हीं भूलों को हम आज भी दोहरा रहे हैं। औरंगजेब जिस तख्त ताउस पर बैठता था उसमें न जाने आज के हिसाब से देखा जाए तो अरबों रुपये के हीरे मोती जड़े थे। आप जानते हैं उसकी सेना में कितने सैनिक थे? 9 लाख सैनिक थे, 9 लाख से ज्यादा। उसके कोषागार में कितने करोड़ों की संपदा थी। और ऐसा व्यक्ति जो शरीयत पर मरने मिटने वाला हो, एक झटके में एक उपदेश मात्र से, केवल 12 सुंदर सास से थोड़े समय के लिए भेंट होती है, कहां से शरीयत को छोड़ सकता है? वृत्तांत मुतले में प्रसंग आता है कि वो श्री जी से भी मिला था। किंतु शरीयत का बंधन कितना कठोर होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपने समाज के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े विद्वानों को उम्र के आखिरी पड़ाव में, जब उनकी उम्र 70 साल के आसपास हो गई है, उनसे भी कर्मकांड का बंधन नहीं छूटा है, तो औरंगजेब कैसे छूट सकता था? मैंने उनको भी तारतम का पाठ करते हुए देखा है, चितवनी से कोसों दूर देखा है। जो व्यक्ति 70 साल की उम्र में पूरी वाणी का जाता हो, उच्च स्तर का प्रवक्ता हो, वो 70 साल की उम्र में भी कर्मकांड नहीं छोड़ सकता। तो ये आशा करना कि हीरे मोतियों के तख्त ताउस पर बैठा हुआ औरंगजेब शरीयत को छोड़कर हकीकत मार्फत को ग्रहण कर ले कभी भी संभव। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का एक चौधरी या शहर का रहने वाला करोड़पति जब कुछ सेवा देता है तो कहीं ना कहीं अहम की ग्रंथि तो होती है कि मैंने 1 करोड़ की सेवा दी, 1 लाख की सेवा दी, 10 लाख की सेवा दी। औरंगजेब तो कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर सिंध तक का, अफगानिस्तान तक का एक छत्र बादशाह था। आप सोचिए, माया के महल में रह रहा था, माया के सिंहासन पर बैठा था, और वो व्यक्ति जिसने सागर सिंडार की एक चौपाई न सुनी, राज से क़यामत नामा तक का एक अंश भी उस बेचारे के पास नहीं गया था, कहां से हकीकत माफ़त को ग्रहण कर लेता? हम तो सरलता से कह देते हैं कि औरंगजेब को अहंकार था, श्री जी के चरणों में नहीं आया। आप सोचिए, उसको इस्लामिक सल्तनत की बादशाहत मिली हुई थी, मक्का मदीना तक उसका गौरव फैला हुआ था। तभी तो मक्के मदीने से वसीयतनामे लिख कर आए कि यदि औरंगजेब बादशाह चाहे तो संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये शरीयत का जो बादशाह है, एक कैसे सबको छोड़ करके हम कहते हैं कि हकीकत मार्फत को हम ग्रहण कर लेते हैं, वो नहीं कर पाया, उसके अंदर अहंकार था। आप सोचिए, उस स्थान पर यदि आपको बैठाया जाए तो आप क्या करेंगे? सुंदर साहब तो छोटे छोटे पद पा जाने के बाद, 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की सेवा करने के बाद मन में कहीं ना कहीं अहम की ग्रंथि तो बननी रहती है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमने इतनी सेवा की है, हम इतने बड़े पद पर बैठे। अब वो सोचिए, वो तो बादशाह, स्वाभाविक है कि बचपन से ही उसको जिस तरह से कट्टरता की शिक्षा मिली थी, उस कट्टरता को वो कहां से इतनी जल्दी छोड़ पाता। दूसरी बात, गंगा के किनारे रहने वाला यदि गंगा के किनारे नहीं जाएगा तो प्यासा उसको रहना पड़ेगा। कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जल बिन मीन प्यासी, जल में रहकर मछली प्यासी हो। वैसे ये देवचंद जी के सुपुत्र होते हुए भी बिहारी जी महाराज कभी उनकी चर्चा में नहीं बैठे, इसलिए भी तब ये प्रसंग आता है कि बिहारी जी चर्चा करें बाहर। उनको अध्यात्म में रुचि नहीं थी, इसका कारण क्या है? लालने बहवा दोसा, ताड़ने बहवा गुणा, चाणक्य के इस कथन को याद रखना चाहिए। जिस तन में परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ, उनका सुपुत्र यदि वाणी चर्चा नहीं सुनता है, सदगुरु धनिष्ठदेव चंद जी के मुखारविंद से ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है, तो भी काला पत्थर बन सकता है। कहमतनामा में कहा गया है, ये पूजे मक्के का काला पत्थर। आखिर सदगुरु धनिष्ठदेव चंद जी का पुत्र जिसमें परम धाम की आत्मा हो, उसको काला पत्थर क्यों कहना पड़ा? इसलिए यदि हम आने वाली पीढ़ी को परम धाम का ज्ञान नहीं देंगे तो एक नहीं सैकड़ों हजारों काले पत्थर पैदा हो जाएंगे। हम सामाजिक समीक्षा नहीं करते, हम व्यक्तिगत दोष देखने लगते हैं तो हम
इसी उधड़ बुन में सारा समय गमा देते हैं कि उस व्यक्ति में बहुत कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। आप यह क्यों नहीं सोचते कि सूर्य का प्रकाश तो सबके लिए होता है, उस प्रकाश को ग्रहण करने की पात्रता बनानी पड़ती है। अभी स्वाति नक्षत्र आने वाला है, ये मान्यताएं हैं, सच्चाई क्या है, वैज्ञानिक तथ्य इसमें कितना सच है मैं नहीं जानता, कि स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र का पानी यदि सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बनता है, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, हाथी के मस्तक में पड़ता है तो गजमुक्ता बन जाता है। एक ही स्वाति का जल अनेक गुणों को धारण कर लेता है। सर्प के मुख में वही विष बनता है तो वही कहीं मोती बनता है, वही कहीं गजमुक्ता बनता है। ऐसे यदि हम ब्रह्मवाणी का प्रकाश नहीं फैलाएंगे तो परम धाम की जिनको हम आत्मा कहते हैं, हमारे बीच में भी कोई बिहारी जी बन जाएगा, हमारे बीच में भी कोई औरंगजेब बादशाह बन जाएगा। समय का चक्र सबके लिए बराबर होता है, वही सूर्य है, वही धरती है, वही आकाश है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, अभी वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ना अफगानिस्तान में त्राई त्राई मची है, लेकिन इस अफगानिस्तान की त्राई त्राई कहां से मची है? कोई ये सोचता है? आज से 150 वर्ष पहले देवबंद में मदरसे की नींव डाली गई थी, जो आज संभवतः एशिया का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, और इसी शिक्षण संस्थान से सारे आतंकवादी पैदा होते हैं, चाहे अजहर मसूद हो, चाहे तालिबान का समर्थक हो। एक गलत विचारधारा की शिक्षा जब दी जाती है तो मनुष्य गलत दिशा में चल पड़ता है और अपने जैसे हजारों को पैदा कर देता है। आज 100 तालिबान को पैदा कर मारेंगे आप, 1000 तालिबानी पैदा होते हैं। 100 ISIS वालों को मारेंगे, 1000 ISIS वाले पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गलत विचारधारा संसार में फैल गई तो फैलती जा रही है, और उसका परिणाम कौन भुगतता है? सारी मानवता भुगतती है। उन निर्दोष भोले भाले व्यक्ति भुगतने के लिए तैयार है। उन छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? उनको गोलियों से भून दिया जाता है। उन स्त्रियों ने क्या बिछाड़ा है जिनको बुरका पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, कोड़ों से पीटा जाता है, किसी लिए नाखून में पालिश लगा ली तो उंगली काट दी जाती है। मैंने उदृश्य देखा, एक गर्भवती महिला की दोनों आंखें निकाल ली गई थी, वो अपने पैदा होने वाले बच्चे को देख नहीं पा रही थी। ये मानसिकता कहाँ से, ये तालिबानी मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है? क्योंकि कुरान की आयतों की गलत व्याख्या करके उनको बताया गया। आप सोचिए, परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ था किस लिए? कि हम छोटे से एक मंदिर बना लें, आश्रम बना लें और दुपक करके बैठे रहें, उसमें जोर जोर से जयकारे लगाएं कि हम सारे ब्रह्मांड को मुक्त देने के लिए आए हैं? हमने कभी इससे शिक्षा ली कि यदि इस ज्ञान को हम ढक के रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग या विनाश। उसी तरह से आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन यदि आप बनाते हैं, आप उसको खाएंगे नहीं, उसको रख रखाव की अच्छी व्यवस्था नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यही स्थिति होती है। हमारे समाज में अतीत से शिक्षा लेना सीखा नहीं। यदि हम अतीत से शिक्षा नहीं लेंगे तो इतिहास पुनः दोहराएगा। बिहारी जी पुनः पैदा होंगे, औरंगजेब पुनः पैदा होगा, और हमारे सुंदर साथ के बीच में से पैदा होंगे। क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश मिलेगा नहीं, चाहे तो आत्म तो अंधेरे में सो बुद्ध भी ना बल क्यों। हम लालदास जी नहीं बन सकते, भीम भाई नहीं बन सकते, महाराजा छत्रसाल जी की तरह समर्पण की भावना नहीं सीख सकते, मुरलीधर जी की तरह हम निष्ठाबद्ध होकर के चर्चा कैसे सुननी है, हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर तो चलने का प्रयास कर सकते हैं, वो हमारे नैतिक अधिकार है। हम चलना सीखें, इसलिए उपनिषद के इस कथन को याद रखना चाहिए, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा केवल प्रीतम है। और ये मानसिकता कब आएगी? जब सबके अंदर हम परम धाम के ज्ञान का प्रकाश करें। मैं वही बात कहने चाहता हूँ कि हमारे से एक सामाजिक बहुत बड़ी भूल हो गई। जब तारतम ज्ञान का सूरज उगा हुआ था, दोपहर का सूरज प्रकाश हो रहा था, उस समय जो महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय लेने चाहिए थी कि ये श्रृंखला कभी बंद ना हो। जलता हुआ दीपक एक बार बुझता अवश्य है। जब आप वृक्ष की चोटी पर चढ़ते हैं तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको उतरना पड़ेगा।
पहाड़ की चोटी पर भी चलेंगे तो आपको उतरना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम होता है। किसी भी स्थान से जागनी होती है तो हमेशा निरंतरता उसमें नहीं बनी रहेगी यदि उसमें ज्ञान और भक्ति में निरंतरता न बने। हमसे भूल क्या हो जाती है कि हम कोई एक स्थान बनाते हैं और सोचते हैं कि हमेशा ही चलता रहेगा। वो स्थान तब तक चलता रहेगा जब तक उस स्थान से ज्ञान की और भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहेगी, तब तक वो स्थान चलता रहेगा। और जब वो धारा प्रवाह बंद हो जाएगा तो स्थान भी शून्य हो जाएगा। कोई भी स्थान भावनों से नहीं चला करता, ये याद रखिए। ऋषि मुनि वनों में झोपड़ियां बनाकर रहते थे, उन्होंने कोई महल नहीं बनाया था, लेकिन उन झोपड़ियों से बड़े बड़े पारंगत वेदों के विद्वान निकले। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, एक अपने हृदय की पीड़ा कह रहा हूँ। यदि महाराजा छत्रसाल जी ने उस समय विश्वविद्यालय बना दिया होता, मैं महाराजा छत्रसाल जी में कोई त्रुटि नहीं निकाल रहा हूँ, जिस तरह से जैसी लीला होनी होती है वैसी ही होती है, मैं तो उनकी चरण धूलि भी नहीं हो सकता, या जितने भी परमहंस हुए हैं मैं उनकी चरण धूलि भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, यदि एक प्रवाह बन जाता जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, ये देवबंद का मदरसा 150 वर्ष पहले बना और इस 150 वर्ष में कई कालखंड उसने देखे, लेकिन वो निरंतर चलता रहा है। और इस 150 वर्षों के बाद ऐसे संसार में एक विचारधारा पैदा हो गई है कि सारी दुनिया को हिंसा के बल पर इस्लाम में बदल दो। मैं ये पूछता हूँ, 300 वर्ष पहले हमें वाणी मिली थी, 300 वर्ष पहले हम भी यदि विश्वविद्यालय आज बना दिए होते तो कुरान की सही व्याख्या करके सारे संसार में प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की ऐसी शीतल धारा बहा देता कि शायद ये आतंकवाद नहीं होता और सारे संसार में प्राणनाथ प्राणनाथ का नाम होता रहता। लेकिन हम विगत 300 वर्षों में हमने 400 मंदिर बनाए हैं, 12-12 करोड़ के, 14-14 करोड़ के। वहाँ क्या हो रहा है, चरणामृत प्रसाद लो, 5 बार परिक्रमा कर लो, जयकारे लगा लो, सेवा पूजा हो जाए, इसके सिवा तो कुछ नहीं हो रहा है। यदि 300 वर्षों से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होता, एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष होता, एक बहुत बड़ा पुस्तकालय होता जहाँ सारे ग्रंथ रहे जाते, हजारों विद्वान आज तक निकले होते और पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर न जाने कितनी ब्रह्मात्माओं को जागृत किए। मैं ये कहता हूँ, जब मैं कर्मकांड पर प्रहार करता हूँ तो मेरी बातें बहुत चुभती हैं सुंदर साथ को, लेकिन हर सुंदर साथ को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि यदि 150 साल से चलता हुआ देवबंद मदरसा, जो आज एशिया का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान बन गया है, यदि प्रणामी समाज ने 300 वर्ष पहले विश्वविद्यालय का निर्माण किया होता, उसमें कुछ भी कठिन नहीं था महाराजा छत्रसाल जी के लिए। यदि महाराजा छत्रसाल जी समय नहीं दे पाए, उसके बाद नीति निर्धारक तत्वों को यह कार्य करना चाहिए था, नहीं तो परिणाम क्या होता है। पानी की साक्षी है, अज्ञान ही जलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठे। जब तक 11वीं सदी रही, 11वीं सदी 1745 में समाप्त हो जाती है, इसका आशय 1751 तक है। श्री जी की लीला के अंतर्धान होते ही अधिकतर ब्रह्मशिष्टियों ने तन छोड़ दिया, जो सुंदर साथ बचे रहे 500 में वे भी निराश से हो गए और उन्होंने जागने कार्य को ठप सा कर दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने जगह जगह कुछ भेजे बाद में, लेकिन ईश्वरीय सृष्टि का राज्य उसके बाद प्रारंभ होता है 1748 के पश्चात। तीसरे श्रेष्ठ विश्व 100 वर्षीय प्रेमी पीवेगा शब्दों का सार। श्री जी के अंतर्धान होने के बाद ईश्वरीय सृष्टि का राज्य आ गया, जो पहले ब्रह्मशिष्टि की लीला हुई, जागनी की लीला, उसमें केवल चितवनी और चर्चा की महत्ता थी, वाणी के ज्ञान की महत्ता और चितवनी की महत्ता। सवेरे भी चर्चा, शाम को रात्रि को 9 से 12 की भी चर्चा, और सवेरे भी 9 से 12 की चर्चा, और सवेरे भी चितवनी, शाम को भी चितवनी। अब ये सब बंद हो गया, ज्ञान चर्चा तो चलती रही, चितवनी बंद हो गई। और 30 साल बीतने के बाद जब जीव सृष्टि का राज्य आया, जीव सृष्टि भी प्राणनाथ जी के लिए विलख रही है कि हमारे राज्य चले गए, हमारे राज्य अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जीव सृष्टि को कौन बताएगा कि उन्होंने वाणी में कह रखा है हक नजीक सहरक से। जीव सृष्टि पहचान नहीं सकते कि वो सहरक से नजीक, ईश्वरी सृष्टि कहाँ भर देगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष देखती है।
वो सब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। परिणाम क्या होगा? सारा समाज एक अंधेरी दिशा में चल पड़ा। केवल सेवा पूजा को ही सब कुछ माना गया, 5 बार तारतम पाठ को ही सब कुछ माना गया। चितवनी हट गई, वाणी का गहन ज्ञान हट गया। अब सब कुछ चल गया सुंदर सुंदर महल बनाने के, और उन महलों में क्या होता है आप जानते हैं। याद रखिए, अध्यात्म का महल तो ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, शील से, संतोष से, श्रद्धा से, समर्पण से बनता है। उसके लिए हीरे मोतियों के महल नहीं चाहिए, सोने के कलश नहीं चाहिए, सोने के सिंहासन नहीं चाहिए। आप जब ज्ञान की सरिता ही प्रवाहित नहीं होने देंगे तो अध्यात्म का कौन सा महल आप खड़ा कर पाएंगे? और ये समाज 300 वर्षों से इसी भूल को दोहराता आ रहा है। किसी भी आश्रम में जाइए, सुंदर सुंदर ऐसी कमरे दिखते हैं, सुख सुविधाएं दिखती हैं, लेकिन उससे क्या मिल रहा है? आप पूरे प्रणामी समाज तो छोड़िए, मैं ये पूछता हूँ, आज से 10 साल पहले अक्षरधाम बना था 400 करोड़ रुपए से। आखिर उस अक्षरधाम की उपलब्धि क्या है? क्या फवारे दिखाना? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदरता उसमें की गई है, कारीगरी की गई है। पूछा जाए अक्षरधाम मंदिर संसार को कौन सी उपलब्धि दे रहा है? 400 करोड़ में तो 100-100 करोड़ के 4 धार्मिक विश्वविद्यालय बनते हैं जिसमें हजारों विद्वान तैयार होते हैं, लेकिन अक्षरधाम मंदिर एक कमर्शियल संस्था स्थान बन गया। वो पैसे की तो आमदनी करा देगा, लेकिन एक भी विद्वान वहां से नहीं निकलेगा, एक भी दार्शनिक नहीं निकलेगा, एक भी योगी वहां से पैदा नहीं होगा। वैसे मंदिरों की हम सजावट करते हैं, कई कई करोड़ों के जो मंदिर बनाते हैं, हमने 400 मंदिर खड़े कर दिए। आप देखिए ब्रह्मा कुमारी मत कितनी तेजी से सारे संसार में फैलता गया, राधा स्वामी मत कितनी तेजी से फैलता गया, क्योंकि इन्हें अपने छोटे छोटे केंद्र बनाने होते हैं, इन्हें सोने का कलश नहीं चढ़ाना होता है, सोने का सिंहासन नहीं चढ़ाना होता है। आप अक्षरातीत को 56 भोग लगाते हैं कि हमारे राजजी महाराज 56 भोग खाएंगे, जिसके एक नजर मात्र से, जिसके सतअंग के इशारे से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, आप उस अक्षरातीत को क्या खिलाना चाह रहे हैं? वो जो कह रहे हैं वो तो आप करना नहीं चाहते। उन्होंने तो कहा था आप देखो औरों को दिखाओ, सारे ब्रह्मांड को चाहिए था आपके मार्गदर्शन में परम धाम को देखने का अधिकार मिलना चाहिए था। सनंद की आखिरी चौपाई क्या कहती? मेहदी हद्दा कर दई घर इमाम बताई रा, पहुंचे अर्श मेराज में हंस मिलिया रूह खुदा। ये तो सनंद के अवतरण का ही ये के समय की ये बात है। उसके बाद जागनी लीला 1736 में सनंद 37 का अवतरण होता है, 1751 में श्री जी के तन से लीला अंतर्धान होती है लौकिक रूप से, और उसके बाद ये 300 साल बीत गए हैं। हमने कितनों को परमधाम दिखाया, राजी को कितने का साक्षात्कार कराया? हम खुद नहीं करते, क्योंकि चितवनी का दीपक तो टिमटिमाता हुआ वो दीपक है, जो पता नहीं कब कितनी महान विभूतियां चाह रही हैं कि चितवनी की प्रक्रिया ही बंद हो जाए। हवा का एक झोंका कभी भी उस दीपक को बुझा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीपक बुझ जाएगा, जब तक ज्ञानपीठ रहेगा इस धरती पर चितवनी का दीपक कभी नहीं बुझेगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन यह याद रखिए, विगत 300 वर्षों में मैं किसी के कार्यों की समीक्षा नहीं कर रहा हूं। हमारी यह सामाजिक बहुत बड़ी भूल है कि यदि हमने एक सुनियोजित तरीके से सारे संसार के कल्याण का रक्ष लेकर हमने ज्ञान के मंदिर बनाए होते, ध्यान के मंदिर बनाए होते, तो आज जागरूकता समाज में फैली होती। आज जिस तरह से वो हजारों, आप सोचिए फिदायीन दस्ते क्या होते हैं, उनको मालूम होता है कि हमें मरना है, लेकिन हम कईयों को मार कर मरेंगे, वो बम बांध करके मर जाते हैं। एक यदि वाणी का विद्वान तैयार होता जिसको कते पक्ष भी पूर्णता से हृदयंगम होता, वेद पक्ष भी हृदयंगम होता, तो सारे संसार में घूम घूम करके बताता कि हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियनों, तुम क्यों लड़ रहे हो, प्राणनाथ जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। तो आज दुनिया प्राणनाथ को याद करती। तो राज जी को 56 भोग खिलाना श्रेष्ठ है या संसार के लोगों को परम धाम का अमृत खिलाना श्रेष्ठ था? हमने उस वाणी को मंदिरों की चारदीवारी में बना कर रखा, केवल मुकुट रख दिया, कहीं बांसुरी रख दी, फूलों के हार से सजा दिया, और आरती करते रहे, हम खुश होते रहे कि परम धाम की वाणी आई है, हम तो परम धाम के ब्रह्मुनि हैं, हमारे चरण रज के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव तरसती हैं, यही बातें कह कह करते हम खुश होते रहे। हमने संसार को क्या दिया? संसार तो उलाना देगा हमें, हमने संसार को कुछ नहीं दिया है। हमने खुद भी ग्रहण ज्यादा करना नहीं चाहा, बेचारे संसार के लोग तो तरसते रहे। और सच मानिए, यदि न्याय की लीला होगी
तो मेरी दृष्टि में तो न्याय हमारे लिए क्षमा शब्द है। हमें जो करना चाहिए था हमने कुछ नहीं किया, हमने दुनिया वालों का सारा कर्मकांड हमने सीख लिया। हमें मालाएं अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी चार चार मालाएं पहन लेते हैं, माथा रंग लेते हैं, सोने के उनके सिंहासन होते हैं, हम भी सोने के कलश और सिंहासन ये करते हैं। हमारे सुंदर साथ कितने गरीब होते हैं, हम उसको 10 रुपए की किताब किसी को भेंट में देने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन 25 लाख का सोने का कलश चढ़ा सकते हैं। ये यदि मानसिकता रहेगी तो वाणी कहां से फैलेगी? आप सोचिए, देवबंद मदरसे में एक एक मुसलमान चंदा देता है, उनका एशिया का सबसे बड़ा मदरसा एक बन जाता है जिसने स्थापना की थी। आप जानते हैं तालिबान का जो संस्थापक है मुल्ला उमर, वो यहीं से पढ़कर निकला है। अजहर मसूद देवबंद से पढ़कर निकला है। ये मारने के लिए निकले हैं, हम तो बचाने वाले पैदा कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? और मुझे ये बोलते हुए 10 वर्ष हो गए, फिर भी हमारा समाज अभी तो सोया ही हुआ है। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा कैलाशवंत जी को कि उन्होंने एक मिशन तैयार किया महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। मैं ये कहूंगा मातृशक्ति शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा, और इसलिए बहनों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। 300 वर्षों में आज तक बहनों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। मैं किरण बहन को भी धन्यवाद दूंगा कि विगत 15 वर्षों से शिक्षण का कार्य कर रही है, और जिस अशोक पर हमें गर्व होता है उस अशोक को भी शिक्षा का किरण माता जी ने दी है। ये उनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक किरण माता की आवश्यकता नहीं, दर्जनों किरण माता चाहिए, दर्जनों कैलाश बहन चाहिए, दर्जनों ज्योत्सना बहन चाहिए। और मैं शुभकामना करता हूँ बच्चियां त्याग में निकलें, अपनी गरिमा को समझें। हमारी मातृशक्ति इसलिए नहीं है कि सवारी जा रही है और सड़क पर नाचने के लिए, ये बहुत हो चुका, नाच कूद बहुत हो चुका, ढोल ढमाके बहुत बज चुके, अब इसके लिए समय नहीं है। अभी जागने के ब्रह्मांड में जितना समय है सबको संगठित होकर के एक विद्वानों की ऐसी फौज तैयार करनी होगी जो सारे संसार में ज्ञान को फैलाए। बीतक हर साल होती है, हर साल समापन होता जाता है, लेकिन बीतक के जो भी मुख्य मुख्य पात्र हैं, चाहे महाराजा छत्रसाल जी हों, लालदास जी हों, भीम भाई हो, हर ब्रह्मात्मा श्री जी के चरणों से बैठी हुई पूछ रही है कि भाई इस समय तो तुम 40 लाख हो गए हो, हर साल हमारी बीतों को सुन रहे हो, कुछ कितना ग्रहण कर रहे हो, वाणी का प्रकाश तुम कब फैलाओगे? छठे दिन की लीला बीत गई, बीत रही है, न जाने 300 वर्ष छठे दिन की लीला को चलते हुए हो गए, कौन हमारे बीच में ऐसा आएगा जो वाणी के प्रकाश को लेकर आगे बढ़ेगा? मेरी बातें संभवतः बहुत कट्टु लग रही होगी कई सुंदर साथ को, लेकिन आत्ममंथन की आवश्यकता है। 300-400 मंदिरों से ज्यादा मैं समझता हूँ लगभग 500 स्थानों पर भी तक हुई होगी, और सुनने वाले भी हो सकता है लाखों में हों, लेकिन कोई किसी कोई तो प्रेरणा स्रोत बने, किसी के अंदर तो आग पैदा हो कि हम ब्रह्मवाणी को सारे संसार के लिए बनाएं, चितवनी की प्रक्रिया को सारे संसार के लिए बनाएं। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेंगे और सबके लिए एक आदर्श बनेंगे। हम आदर्श बनने की चाहत में ना करें, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है, राज्य का आदेश समझकर ब्रह्मवाणी को फैलाएं, हमारे समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना हो, और किसी में जो भी अच्छाई हो उसको हम ग्रहण करें। हम स्वयं को इतना समझें कि जो जितनी विनम्रता लेता है, जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, हम ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कितने भी आगे बढ़ जाए, हम स्वयं को चरण धूलि बने और हर सुंदर साथ के अंदर युगल स्वरूप की छवि देखें, लेकिन हमारे अंदर एक तूफान हो, एक ज्वाला हो कि हम सारे संसार में ब्रह्मवाणी की गूंज कराए। और मैं ये कहता हूँ सबको प्रेरित कीजिए कि मंदिरों में फिजूल खर्ची बंद करें। अब भविष्य में सोने के कलशों का, सोने के सिंहासनों का युग नहीं है, समाज अपनी भूल को सुधारे। मेरी बात जिन भी सुंदर साथ तक पहुंच रही हो, जो बड़े बड़े मंदिरों के बनाने के प्रयास में है कि हम इतने करोड़ के मंदिर बना देंगे, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। जो भी आपको खर्च करना हो शिक्षा में खर्च कीजिए, वाणी की ज्योति को फैलाइए। बच्चों के लिए ज्ञानपीठ है, बालिकाओं के लिए राज्य ने चाहा तो जल्दी ही ज्ञानपीठ की तरह ही अलग संस्था खड़ी हो जाएगी जिसमें केवल बहनें रहा करेंगी,
शिक्षण के लिए और सारे संसार में एक अलग संदेश दें। ठीक है, अब हमारे पास समय कम बचा है, पता नहीं आने वाले समय में क्या हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ तो करके दिखाएं, ना ही से तो कुछ मिला। और मैं आशा करता हूँ कि सारा समाज इस बात के लिए कृत संकल्पित रहेगा कि जो ब्रह्मवाणी के प्रचार का मिशन शुरू हुआ है उसकी ज्योत दिन पर दिन प्रज्वलित हो, कभी पूछने न। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, आपके चरणारविंद में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे ये नहीं पता था कि आज श्री बीतक साहब के समाप्ति पूजन पर हमें आपकी चर्चा के रूप में ये प्रसादी मिलने वाली है। बहुत बहुत सुंदर साथ को आनंद मिला आपकी। यदि हम ये कड़वी दवाई चुभने वाली खाएंगे नहीं ना सुंदर साथ जी, तो जो रोग ये लगा हुआ है ना वो ठीक नहीं होगा। तो इस दवाई को आप रोज रोज हमें खिलाएं ताकि हमारा वो रोग जल्द से जल्द ठीक हो और हम पारब्रह्म के साक्षात्कार की तरफ अपना कदम